हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, द मिस्ट्री ऑफ द क्रूकेड मैन। हमारा लेसन नंबर 3, 4 और 5 वॉमिटेड है। हैव यू एवर रीड अ मर्डर मिस्ट्री? क्या आपने कभी किसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में पढ़ा है? मर्डर मिस्ट्री मतलब कि किसी का मर्डर हो गया, उसके बारे में कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, उसके बारे में कभी कुछ पढ़ा है आपने, कहीं अखबारों में, कहीं नॉवल में? रीड अबाउट दिस मर्डर मिस्ट्री एंड हाउ इट वॉज सॉल्व। इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में पढ़िए और ये भी जानिए कि ये सॉल्व कैसे हो पाया। देखिए, क्रूकेड का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, या फिर जो है कुछ जुर्म जिसने कराओ वो। तो क्रूकेड मैन वो इंसान है जो कि क्रिमिनल है ना, क्रिमिनल है, डिसऑनेस्ट है, इस तरह का इंसान। वन लेट समर नाइट My friend Holmes invited me to join him on a strange case. देखिए, एक जो है ना आदमी है, वो बोल रहा है कि एक जो है गर्मी की रात, वो जो है उसका दोस्त ने उसे बुलाया रात के खाने पे, ठीक है? नहीं, रात के खाने पे नहीं बुलाया, सिर्फ रात को बुलाया एक केस सॉल्व करने के लिए। अच्छा, ये होम्स क्यों कहा गया है उसके दोस्त का नाम? क्योंकि एक बहुत ही फेमस नॉवल है, ठीक है, जिसके हिसाब से शर्लोक होम्स को दुनिया का सबसे माहिर, सबसे शातिर जो है डिटेक्टिव बताया गया है। काफी फेमस है शर्लोक होम्स, इसके ऊपर तो मूवीज भी बनी हुई है, नॉवल्स भी बनी हुई है बहुत सारी। तो उसी उसका दोस्त का नाम होता है उसके दोस्त का नाम होता है मेरे ख्याल से वॉटसन, है ना? तो वॉटसन को ही इसने बुलाया होगा मेरे ख्याल से, तो केस सॉल्व करने के लिए। इट वॉज द मर्डर ऑफ कर्नल बाकले। होम्स विश्ड टू टेल मी सम फैक्ट्स अबाउट इट। कि वो कर्नल बाकले जो है ना, कर्नल पढ़ेंगे इसको, ठीक है, कॉलोनल है पर ये थोड़ा सा कर्नल जैसा साउंड आता है इसका, कर्नल। तो कर्नल बाकले का मर्डर हुआ था और उस पर जो है कुछ फैक्ट्स, कुछ डिटेल्स बताने की कोशिश करी होम्स ने अपने दोस्त को। बिफोर वी विजिटेड Aldershot, the site of the tragedy, most of his information came from Major Murphy, an acquaintance of the Barclay. के उसका जो है ना साथी जो था बाकले का, जिसका मर्डर हुआ था, उससे जो है काफी जानकारी मिली थी होम्स को और यही उसने शेयर करी थी अपने दोस्त के साथ। और वो गए थे इससे पहले कि वो पहुंचते एल्डरशॉट। एल्डरशॉट उस जगह का नाम है जिस जगह पे मर्डर हुआ था। एक्वेंटेंस का मतलब होता है साथ, मतलब कुछ साथी, एक्वेंटेंस का मतलब है ना, मतलब जान पहचान वाले, बहुत अच्छे दोस्त भी नहीं, ठीक है, बस जान पहचानो। कर्नल बाकले वॉज अ फाइन सोल्जर एंड कमांडेड अ रेजिमेंट। एक पूरे टीम के जो है ना, कर्नल बाकले जो है एक बड़ी सी अच्छे खासे टीम के, मतलब फौज में भी टीम्स होती है, बहुत सारे रेजिमेंट्स होती हैं, मतलब टुकड़ियां फौज की। तो एक अच्छे खासे टुकड़ी के जो है ना वो थे वो कमांडर, ठीक है। ही एंड हिज वाइफ नैन्सी हैड नो चिल्ड्रन बट वर अ हैप्पीली मैरिड कपल, इवन दो कर्नल बाकले हैड अ वायलेंट टेम्पर। कि वो जो है ना अपनी बीवी के साथ खुश थे, उनके कोई बच्चे नहीं थे, तब भी अपने जो है हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रहे थे वो। कर्नल बाकले को वैसे गुस्सा आता था काफी। वॉलेंट का मतलब होता है एग्रेसिव, मतलब के वॉलेंट का मतलब जो है, वॉलेंट कैसे समझाऊं कि मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था। टेम्पर का मतलब जो है गुस्सा होता है, वॉलेंट का मतलब जो है ना तोड़ फोड़ वाला, ठीक है। मेजर मर्फी ऑल्सो मेंशन्ड दैट द कर्नल ऑफ्टन बिकेम डिप्रेस्ड। के मेजर मर्फी जो है ना, मेजर मर्फी जैसे कि बताया मैंने कौन थे, मेजर मर्फी उनके एक्विंटेंस थे, मतलब कि उनके जो है जान पहचान के थे, मतलब उनके साथ ही रहते होंगे, काम करते होंगे, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है मेजर मर्फी। तो वो बता रहे थे कि वो काफी डिप्रेस भी रहते थे। कौन? कर्नल, जिनका जो है जिनकी हत्या हो गई। His fellow soldiers noticed too that he disliked being left alone, especially after the dark. कि उनके जो soldiers थे ना colonel के, उन्होंने भी ये चीज notice करी कि उन्हें अकेला रहना पसंद नहीं, और खास तौर से अंधेरे के time, मतलब रात के वक्त। On the evening of her husband's death, Mrs. Barclay had accompanied her friend and neighbor.
Mrs. Morrison to a meeting. कह रहे हैं कि मर्डर की रात को मिसेस बार्कले जो थी, जो जिनकी डेथ हुई उनकी वाइफ, वो जो है अपने दोस्त के साथ गई थी। वो दोस्त जो कि उनके साथ उनके नेबर भी हैं, ठीक है, बराबर में रहती है वो दोस्त, उनके साथ गई थी एक मीटिंग में, जिनका नाम है मिसेस मॉरिसन। शी रिटर्न्ड होम आफ्टर अबाउट 40 मिनट्स, वो 40 मिनट बाद अपने घर पे वापस आ गए। हैविंग लेफ्ट मिसेस मॉरिसन एट हर रेजिडेंस, अपने फ्रेंड जो है अपने बराबर में जिनका घर है, मिसेस मॉरिसन को अपने घर छोड़ते हुए। द कर्नल जॉइंड हिज वाइफ इन द फ्रंट रूम ऑन हर अराइवल, कि अपने घर के जो है सबसे आगे वाले रूम में जो है ना मिस्टर कर्नल मिल गए, मतलब कर्नल जो है वहां पे मिले अपने वाइफ को। द रूम फेस्ड द रोड एंड ओपनड ऑन द लॉन बाय अ ग्लास फोल्डिंग डोर, बोल रहे हैं कि सबसे बाहरी रूम था वो, तो रूम का जो है ना दरवाजा बस एक था जिससे आप घर से बाहर निकल सकते थे, एक ही दरवाजा था बाहर का जो कि ग्लास का था बना हुआ। ओनली अ लो वॉल डिवाइडेड द हाउस फ्रॉम द हाईवे व्हेन द मेड ब्रॉट टी इनटू द रूम, कि सिर्फ एक जो है छोटा सा एक दीवार थी जिसने हाईवे को घर से अलग कर रखा था, ठीक है, मतलब एक रेलिंग टाइप का लगा लेते हैं घर, जिनके पास लॉन वगैरह होता है ना तो लॉन को घेरने के लिए एक वो लगा देते हैं, वो लकड़ी का एक छोटी सी दीवार सी बना देते हैं, और हाईवे के बराबर में था उनका घर। और रात में फिर जो है मेड जो है उनके लिए वो लेके आई टी। शी हर्ड द बार्कलेज आर्ग्यूइंग लाउडली एंड एंग्रीली, उन्हें सुनाई आया कि जो है ना मिस्टर मिस्टर बार्कले जो है, मतलब दोनों मिस्टर एंड मिसेस बार्कले, बार्कलेज लिखा ना यहाँ पे, मतलब कि दोनों जो है आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तेज, मतलब arguing loudly का मतलब कि बहसबाजी चल रही है बहुत तेज आवाज में, and angrily, angrily मतलब गुस्से से। The door was locked from inside. She ran back to call the two other servants. कि दरवाजा अंदर से बंद था तो वो जो है ना चाय जो है वापस लेके चली गई, उसके अंदर घुसी नहीं वो रूम के अंदर, और बाकी चली बाकी दो सर्वेंट्स को बुलाने चली गई कि देखिए जरा क्या करें इस सिचुएशन में। दे हर्ड मिसेस बार्कले क्राई आउट यू कवर्ड अगेन एंड अगेन, कि मिसेस बार्कले जो है चिल्ला रही थी यू कवर्ड, मतलब कि तुम डरपोक हो, किस पे चिल्ला रही थी, जाहिर सी बात है कर्नल पे ही चिल्ला रही थी, कर्नल पे ही। When there was a loud cry in a man's voice, a crash and a scream of a woman, के उसके बाद जो है ना एक तेज रोने की आवाज आई एक आदमी की, ठीक है, और उसके बाद जो है एक चीखने की आवाज भी आई एक वुमन की, और एक क्रैश की किसी चीज का टकराने की भी आवाज आई। The servants tried the force to open the door as the screams continued, कि चीख चिल्लाने की आवाज जो आती गई तो जो है क्या करा नौकरों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी, but it did not open, पर वो दरवाजा टूटा नहीं, खुला भी नहीं। The coachman ran round the lawn, कि जो एक कोचमैन था वो जो है पूरा लॉन जो है वो घूम कर गया। One side of the window was open and He could enter the room. एक जो है दरवाजा खुला हुआ था, एक जो है खिड़की खुली रह गई थी घर की जिससे उसने अंदर घुसने की कोशिश करी। मिसेस बार्कले ले अनकॉन्शियस ऑन अ काउच, मिसेस बार्कले जो है बेहोश पड़ी थी एक बिस्तर पे। द कर्नल ले डेड इन अ पूल ऑफ ब्लड, कि कर्नल जो है ना खून से लथपथ मरे हुए थे। द कोचमैन ट्राइड टू ओपन द डोर टू get help from the other servants but the key was missing, कर्नल ने जो है ना अंदर से ही जो है दरवाजा खोलने की कोशिश करी ताकि जो है आ सके बाहर से वो भी बाकी सारे नौकर भी ताकि जो है उसकी मदद करा सके, पर उसके पास चाबी नहीं थी वो खो गई थी। अब देखिए माय डिक्शनरी बोल रहा है acquaintance का मतलब क्या होता है, a person known to you, एक जान पहचान का इंसान जो है उसको बोलते हैं acquaintance, और violent का मतलब होता है ferocious, ferocious मतलब के बहुत ज्यादा मारधाड़ करने के फिराक में, है ना। violent का मतलब जो है मतलब लड़ाई झगड़े के मूड में जो होते हैं ना उनको बोलते हैं violent। accompanied का मतलब to go with,
कि कंपनी देना। पपलेंट का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। ठीक है, इतना आप जो है रिवाइज के लिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इसकी वर्ड मीनिंग अगर आपको कोई सी ना आती हो तो वो भी आप लिख लिए आप अपनी कॉपी में। ठीक है, बाकी अगर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कर्नल बाकले जिनकी डेथ हुई आती है और ये एक तरह की मर्डर मिस्ट्री होती है जिसमें उनकी फाइट होती है, मतलब छोटा सा झगड़ा होता है उनकी वाइफ के साथ, और दरवाजे के पीछे से उनके सर्वेंट्स जो है उनकी बातें सुन रहे होते हैं, और अचानक से जो है ना चीखने की आवाज आती है वहां से, और जब एक नौकर जो है खिड़की के रास्ते अंदर जाता है तो वहां पे मरा हुआ देखता है कर्नल बाकले को। ये कहानी लिखी है सर आर्थर कॉनन डॉयल ने, जो कि 1859 से लेकर 1930 तक रहे। सर आर्थर कॉनल डॉयल वॉज बॉर्न इन एडिनबर्ग, इंग्लैंड। इंग्लैंड में पैदा हुए थे एक एडिनबर्ग नाम की जगह पे। ही स्टडीड मेडिसिन एंड सेट अप हिज प्रैक्टिस। ही बिगन टू राइट एज ही वेटेड फॉर हिज पेशेंट्स। वो जब तक अपने जो पेशेंट्स का इंतजार करते थे तब तक जो है कुछ लिख भी देते थे, मतलब काफी मल्टीटास्किंग इंसान थे, है ना। ही क्रिएटेड शर्लक होम्स हु बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिक्शनल कैरेक्टर्स इन द वर्ल्ड। उन्होंने ही शर्लक होम्स के कैरेक्टर की रचना करी थी, कि एक ऐसा जो है डिटेक्टिव जो कि बहुत ज्यादा तेज दिमाग का है, और वाकई में बहुत अच्छी तरह से इसे लिखा गया है और बहुत फेमस भी है पूरी दुनिया में शर्लक होम्स के कैरेक्टर। लव्ड फॉर हिज डिटेक्टिव एडवेंचर्स ही सॉल्व्स प्रॉब्लम्स रैंगिंग फ्रॉम मर्डर टू थेफ्ट टू किडनैपिंग एंड ड्रॉज कंक्लूजन्स फ्रॉम स्मॉल बिट्स ऑफ एविडेंस। के जो है हमेशा जो है ना छोटे छोटे छोट सुरागों के ऊपर एक बड़ी बड़ी कहानी को बुन देते हैं और जो है बातें करते हैं ज्यादातर जो है क्राइम्स की, जैसे मर्डर और किडनैपिंग, थेफ्ट वगैरह की। तो हम थे यहाँ पे, द कोचमैन ट्राइड टू ओपन द डोर टू गेट हेल्प फ्रॉम द अदर सर्वेंट्स बट द की वॉज मिसिंग। कि चाबी खो चुकी थी और इसकी वजह से वो दरवाजा नहीं खोल पा रहा था, जिसकी वजह से जो है बाहर से वो अपने साथियों को अंदर ला सके, मतलब कि बाकी जो भी थे सर्वेंट्स घर के उन्हें अंदर बुला सके। ही वेंट आउट अगेन देयर फोर थ्रू दी विंडो टू गेट अ पुलिस मैन एंड अ डॉक्टर। वो जो है वापस विंडो से बाहर निकला और गया लाने एक पुलिस वाले को और जो है डॉक्टर को। एन एग्जामिनेशन शोड दैट द कट ऑन द कर्नल्स हेड हैड बीन कॉज्ड बाय अ वायलेंट ब्लो फ्रॉम अ ब्लंट वेपन। कोई जो है मजबूत वेपन से जो है ना, जैसे लोहे की छड़ या फिर कोई जो है डंडा, उससे जो है ना उनके सर पे मारा गया था कर्नल के, तभी वो चोट लगी है उनको। क्लोज टू द बॉडी दे फाउंड अ वुडन स्टिक, और बॉडी के पास एक जो है लकड़ी का डंडा भी पड़ा हुआ मिला उन्हें। द मिसिंग की कुड नॉट बी फाउंड, नो इन्फॉर्मेशन कुड बी गॉट फ्रॉम द लेडी एज शी कंटिन्यूड टू बी सीरियसली इल विद ब्रेन फीवर। अब जो उन्हें सिर का बुखार लगा हुआ था, है ना, जिसकी वजह से वो कुछ बता नहीं पा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी उनकी वाइफ जो थी, और वो जो चाबी खोई भी थी वो खो ही रही, मिली नहीं। बट बोथ द सर्वेंट्स एंड द पुलिस रिकॉल्ड क्लियरली दैट द डेड मैंस फेस हैड एन एक्सप्रेशन ऑफ फियर। कि जब कर्नल मरे थे तो उसके बाद उनके चेहरे पर जो है ना फियर का एक्सप्रेशन रह गया था, मतलब डेथ हुई तो डेथ के साथ ही जो है वो जो एक्सप्रेशन था वो भी वहां पे स्टिल हो गया, और वो था एक डर का एक्सप्रेशन। नाउ वॉटसन, इट सीम्स टू मी दैट द मोस्ट पेक्यूलियर पार्ट ऑफ द केस वॉज द डिसअपीयरेंस ऑफ द डोकी। अब देखिए यहाँ पे जो अचानक से एक जो है चेंज हो गई, पूरा जो है नैरेटिव यहाँ पे चेंज हो रहा है। कैसे? अब जो है यहाँ पे एंट्री होती है एक डिटेक्टिव की, यही हमारे जो यहाँ पे है प्रोटैगनिस्ट जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पे शर्लोक होम्स। वो अपने दोस्त से बोल रहा है वॉटसन से, कि वॉटसन मुझे लगता है कि सबसे अनोखी बात यहाँ पर जो है वो है मिसिंग डोर की, वो चाबी जो खोई हुई है। पेक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, कुछ डिफरेंट, है ना, पेक्यूलियर का मतलब अजीबो गरीब। इफ नाइदर द कर्नल नॉर हिज वाइफ हैड टेकन इट, अ थर्ड पर्सन मस्ट हैव एंटर्ड द रूम एंड दैट टू थ्रू द विंडो। आई वॉज एबल टू गेट वेरी क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ हिज फुटमार्क्स। अब शर्लक होम्स ने बोला कि अगर जो है कर्नल के पास ये चाबी नहीं है, कर्नल की वाइफ के पास ये चाबी नहीं है, तो जरूर किसी तीसरे इंसान के पास वो चाबी रह गई होगी और उसने घुसने की कोशिश करी होगी इस कमरे में खिड़की के जरिए।
तभी तो गायब हुई वो चाबी, वरना चाबी कहाँ जाती। और उसके कदमों के निशान मैं जो है देख पा रहा हूँ, हल्का सा मुझे निशान दिखे थे उसके घर के अंदर। तो शेरलॉक होम्स के पास एक अच्छा खासा रीजन आ गया कि जो है शक का दायरा कहाँ पे रखना है उसे, कि एक तीसरा इंसान भी था उस रूम के अंदर। बट वॉट सरप्राइज मी वॉज नॉट द मैन बट हिज कंपेनियन। पर मुझे उस इंसान में ज्यादा जो है दिलचस्पी नहीं है, पर उसके कंपेनियन, उसके साथी में है। होम्स पुल्ड आउट अ शीट ऑफ पेपर। इट बोर दी फुट मार्क्स ऑफ अ स्मॉल एनिमल विद लॉन्ग नेल्स। आई वॉज परप्लेक्स्ड। बोल रहा है कि अब वो क्या सोच रहा था शेरलॉक होम्स, कि एक जो है ना जो आया था, मतलब उनके घर में घुसपैठिया, वो अकेले नहीं आया था, साथ में एक छोटे से जानवर को भी लेकर आया था जिसके लंबे लंबे नाखून थे। अब देखिए परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, है ना, कि उसे समझ नहीं आ रहा अब कुछ। किसको नहीं समझ में आ रहा? वॉटसन को। क्या नहीं समझ में आ रहा? बातें होम्स की, कि होम्स कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि शर्लोक होम्स बोल रहा है कि एक शीट ऑफ पेपर है उसके पास जिसके ऊपर जो है एक निशान है। निशान बोर, बोर का मतलब होता है छेद। छेद है किस चीज के? फुट मार्क्स के। फुट मार्क्स किसके? एक छोटे से एनिमल के, एनिमल के नेल्स के खास तौर से। इट इज अ कार्निवोरस एनिमल एंड कैन इवन रन अप अ कर्टेन, सेड होम्स। अब शेरलॉक होम्स ने बोला कि ये जो है ना कार्निवोरस एनिमल है, मतलब कि मांस पेशियां भी खा सकता है वो, मतलब मांस मच्छी खा सकता है, ऐसा एनिमल है, जैसे कि कुत्ता होता है, जैसे कि बिल्ली होती है, उस तरह का। और वो जो है पर्दों पे भी चढ़ सकता है, ऐसा एनिमल है, ऐसा छोटा सा और हल्का सा कि वो इस पे चढ़ सकता है, क्या कहते हैं, पर्दों पे भी पंजे गड़ा गड़ा के। इस तरह का एनिमल आपके दिमाग में कोई सा आ रहा है? मेरे दिमाग में तो बिल्ली आ रही है। बट व्हाट डज इट हैव टू डू विद द क्राइम, आई आस्क्ड। पर इसका क्या लेना देना है क्राइम से, पूछा वॉटसन ने। दैट इज नॉट क्लियर टू मी, ही आंसर्ड। जवाब दिया शेरलॉक होम्स ने कि ये मुझे अभी तक नहीं पता, ये क्लियर नहीं है मुझे अभी तक। आई थिंक दैट समथिंग अनयूजुअल अकर्ड व्हेन मिसेस बार्कले वॉज अवे फ्रॉम द हाउस। कि वो सोच रहा है शेरलॉक होम्स कि जब मिसेस बार्कले थी नहीं ना घर में, बाहर थी, जबकि हमने पढ़ा शुरू शुरू में कि वो गई हुई थी अपने एक फ्रेंड के साथ जो है कहीं पे, वापस आई तो उनको जो है मिस्टर बार्कले जो है, मतलब कर्नल बार्कले जो है रूम सबसे बाहर वाले रूम में खड़े हुए मिले थे, और वहीं पे उनके जो है डेथ हो गई थी एक छोटे से झगड़े के बाद। तो ये बोल रहा है कि जब वो गई मिसेस बाकले बाहर थी, तब कुछ ना कुछ अजीब हुआ है घर के अंदर, कुछ अनयूजुअल अकर हुआ है। शी वॉज इन अ गुड मूड बिफोर लीविंग, बट वेन शी केम बैक द सर्वेंट्स हर्ड हर शाउटिंग। कि उनका मूड तो अच्छा था जब वो बाहर निकली थी घर से, जब पर घर में जब वापस आई तो उनका मूड जो है अच्छा नहीं था, मतलब कि वो चिल्ला रही थी जब घर में पहुंची तो। आई हैव ऑल्सो आस्क्ड हर फ्रेंड मिसेस मॉरिसन फॉर हेल्प। कि मैंने उनकी जो फ्रेंड है मिसेस मॉरिसन, जिनके साथ वो गई थी उस रात, उनसे ही बात करी। शी हैज एग्रीड टू हेल्प हर सिक फ्रेंड मिसेस बाकले। उन्होंने मदद के लिए हामी भर दी। मिस मॉरिसन सेड, व्हेन मिसेस बाकले एंड आई रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग, वी सॉ अ डिफॉर्म्ड मैन ऑन द साइड ऑफ द रोड हु स्टार्टेड टॉकिंग टू मिसेस बाकले। कि जब हम वापस आ रहे थे ना, तो एक जो है एक इंसान जो है एक डिफॉर्म्ड इंसान, डिफॉर्म्ड मतलब कि उसके जो है ना कोई मतलब हाथ पैर नहीं था उसका, कोई सा अंग नहीं था उसके शरीर में, एक ऐसा इंसान था जो बात कर रहा था मिसेस बाकली से। दे हैड नोन ईच अदर 30 years बैक। वो 30 साल पहले एक दूसरे को जानते थे। द मैन वॉज अ क्रिपल। कि वो जो आदमी था वो क्रिपल था, मतलब कि अपाहिज था। ही कॉल्ड हर नैनी एंड दे बोथ वेंट असाइड टू टॉक टू ईच अदर फॉर अ फ्यू मिनट्स। के उस आदमी ने अपने नैनी को कॉल करी और कुछ उससे बात करी होगी, फिर उसके बाद जो है वो दोनों चले गए कुछ आपस में बात करने लगे कुछ मिनट के लिए। शी वॉज शॉक्ड टू सी हिम बिकॉज शी थॉट दैट ही हैड डाइड 30 years बैक, दैट ही हैज डाइड 30 years बैक। वो जो थी मिसेस बाकले, ये मॉरिसन बता रही है मिसेस मॉरिसन, कि जो उनकी फ्रेंड थी मिसेस बाकले, जिनके पति का डेथ इनका मर्डर हुआ है,
वो जो है एक आदमी को देख के हैरान हो गई, उन्हें लगा कि ये इंसान तो पहले ही मर चुका 30 साल पहले, और मिलकर उनसे जो हैरान हो गई और साथ में बात करने लगी कुछ अकेले में जाके कुछ मिनट के लिए। शी मेड मी प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीवन व्हाट हैड हैपेंड, उन्होंने मुझसे जो है प्रॉमिस लिया था, मुझसे वादा करवाया था कि ये किसी को नहीं बताने के लिए कि क्या हुआ था आज। आई हैव नाउ टोल्ड यू द होल ट्रूथ, अब मैंने आपको सारी बातें सच्ची बता दी हैं। हैड आई नोन द डेंजर इन विच माई फ्रेंड वुड फाइंड हर सेल्फ, आई वुड हैव गॉन टू द पुलिस, अगर मुझे पता होता कि इस तरह की मुसीबत मेरे दोस्त के साथ आ जाएगी तो मैं तो पुलिस के पास जा चुकी होती। दिस इज वॉट शी हैड टोल्ड मी वॉटसन, वॉटसन ने बोला शर्लक होम्स को कि ये उसने मुझे बताया। वॉटसन ने ही जाके जांच पड़ताल करी थी मिसेज मॉर्सन से। द डिफॉर्म्ड मैन इज हेनरी वुड, हेनरी वुड नाम है उस डिफॉर्म्ड आदमी का जो कि मिला था मिसेज बाकले से। He is a performer who carries a creature in a box. वो एक performer है जो एक creature रखता है अपने box के अंदर। अब देखिए connect कर पा रहे हैं आप story को? Creature वही creature जिसके बारे में Sherlock Holmes बोल रहा था। Now अच्छा performer कहाँ पे, कोई जादू का circus वगैरह दिखाता होगा या फिर कोई जादुई नाटक वगैरह दिखाता होगा, performer है। Now Watson, you know exactly where we stand and why I want you. It is plain that this fellow followed the ladies. अब जो है शर्लोक होम्स बोल रहा है कि देखो कि अब शर्लोक होम्स बोल रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, वॉटसन को बोल रहा है कि देखो ये बात बिल्कुल सिंपल है, प्लेन है, प्लेन का मतलब सिंपल, कि उन लेडीज को जो है ना पीछा किया था उस आदमी ने, वही क्या नाम है इसका, हेनरी वुड ने, पीछा करते हुए आ गया हुआ घर में और घर में आके मर्डर कर दिया उसने। ही सॉ द बार्कलेज क्वेरल एंड रश्ड इन थ्रू द विंडो एंड दैट क्रीचर इन हिज बॉक्स गॉट लूज। अब वो बोल रहा है शर्लोक होम्स कि उसने जरूर जो है ना घर तक पीछा करा होगा, पीछा करने के बाद जो है घर में से आवाजें सुनी हुई उसने चीखने चिल्लाने की, तो वो खिड़की के रास्ते अंदर घुस गया होगा घर में, वो इंसान जो है, और मतलब वही हेनरी वुड घर के अंदर घुस गया होगा बार्कलेज की जो है ना चीख चिल्लाहट सुनकर। क्वेरल का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, तेज तेज जो है ना आर्ग्यूमेंट्स को बोलते हैं क्वेरल, मतलब झगड़ा करना। तो ये सुनकर वो घुसा होगा विंडो के रास्ते अंदर और जो उसके जो क्रीचर है वो छूट गया होगा उसके हाथ से। ऑल दिस इज वेरी सर्टेन, कि ये सारी चीजें काफी सर्टेन है, काफी मतलब जाहिर ही है बातें, ये चीज तो समझ में आ रही है। बट ही इज द ओनली वन हु कैन टेल अस व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द रूम, सेड होम्स। बोला है कि ये बातें तो वैसे जाहिर है पर वही असल में हमें सब कुछ बता सकता है कि हुआ क्या था उस रूम में उस दिन। एंड यू आर गोइंग टू आस्क हिम, सेड वॉटसन। तो वॉटसन ने बोला कि अब तुम उससे जाकर ये चीज पूछोगे? तो शर्लक होम्स ने बोला यस आई हैव आस्क्ड समवन टू फॉलो हिम नाइट एंड डे, कि मैंने तो किसी को उसके पीछे लगा दिया है दिन और रात उसका पीछा करने के लिए, उसके बारे में नजर रखने के लिए। सो बी रेडी टू अकंपनी मी टू एल्डर शॉट टुमोरो, आई विल लीव यू नाउ एंड बिड यू गॉड टू नाइट। तो चलो हम सुन लें कि जो है ना अब हम जो है कल दोनों साथ में जाएंगे एल्डर शॉट वापस, जहाँ पे उस दिन गए थे ना वो जांच पड़ताल करने, अब वो फिर वापस वहीं पे जा रहे हैं उसी रूम में, मतलब उनके घर पे जाएंगे अब वो दोबारा एल्डर शॉट में जो घर है जहाँ पे मरे थे कर्नल। बोल रहे कि अब जो है मैं तुम्हें अभी छोड़ देता हूँ और तुम्हें आज की रात बख्श देता हूँ, ठीक है, कल साथ में चलना पर मेरे। वीडियो का मतलब होता है कि दे देता हूँ तुम्हें, ठीक है। इट वॉज मिड डे वेन वी फाउंड आवर सेल्फ एट हडसन स्ट्रीट, कि वो जो है दोपहर का वक्त था जब हमने जो है ना अपने आप को, जब हम थे हडसन स्ट्रीट पे, वेयर फूड वेयर वुड्स लिव्ड, जहां पर रहता था वुड्स, वही हेनरी वुड जिसके बारे में बात हो रही है, वही स्ट्रेंज इंसान जो कि एक क्या है परफॉर्मर है। इवन दो ही वॉज नाउ अ क्रिपल ही मस्ट हैव बीन अ हैंडसम मैन वंस, के आज तो अपाहिज है पर जरूर वो एक वक्त में काफी हैंडसम रहा होगा। होम्स बिगन स्पीकिंग, हेलो मिस्टर हेनरी वुड, यू आर फ्रॉम इंडिया आंट यू, किसने बोला मिस्टर हेनरी को कि हेलो आप इंडिया से हो है ना, आई हैव कम टू टॉक टू यू अबाउट बार्कलेज डेथ, मैं आपसे बात करने आया हूँ बार्कले के डेथ के बारे में, मतलब कर्नल बार्कले के डेथ के बारे में। वट शुड आई नो अबाउट दैट,
तो उसने आदमी ने जवाब दिया, मैं उसके बारे में क्या जानू भला, दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू आस्क यू, योर फ्रेंड मिसेस बाकले माइट बी सेंट टू प्रिजन फॉर हर हस्बैंड्स मर्डर, कि आपकी जो दोस्त है मिसेस बाकले, हो सकता है उन्हें जेल जाना पड़े अपने हस्बैंड के मर्डर के लिए। वुड वॉज शॉक्ड एंड आस्क्ड, माई गॉड इज दैट इज दिस ट्रू, वुड जो है वो शॉक हो गया, मतलब कि घबरा गया वो, और उसने पूछा कि माई गॉड इज इट ट्रू, कि क्या ये बात सच है, तो उसने बोला यस। किसने बोला यस? शर्लक होम्स ने। फिर उसने बोला आर यू द पुलिस, तो उसने पूछा क्या तुम पुलिस हो, तो उसने बोला नहीं, बिलीव मी शी इज इनोसेंट, तो उसने बोला जो है उसी हेनरी ने बोला कि बिलीव मी वो इनोसेंट है, देन यू आर गिल्टी, तो शर्लक होम्स ने बोला अच्छा वो इनोसेंट है मतलब कि तुम गिल्टी हो, मतलब तुम हो आर गिल्टी का मतलब मुजरिम, कि तुम हो मुजरिम, ठीक है। गिल्टी का वैसे मतलब हमेशा मुजरिम ही नहीं होता, गिल्टी का मतलब होता है कि जो करने वाला होता है ना इंसान, उसको बोलते हैं गिल्टी। गिल्टी का ऑपोजिट क्या होगा? इनोसेंट, मतलब कि जिसने कुछ ना करा हो, तो हम मुजरिम ही कह सकते हैं आप इसको, गिल्टी को। नो आई एम नॉट, तो वो बोलता है हेनरी कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ गिल्टी। हु किल्ड द कर्नल देन, तो फिर शर्लक होम्स बोलते हैं कि अच्छा फिर किसने मारा कर्नल को? इट वॉज हिज ओन गिल्टी कॉन्शियंस दैट स्ट्रक हिम डाउन, बट माइंड यू इफ आई हैड नॉक्ड हिज ब्रेन्स आउट विद माई ओन हैंड्स इट वुड हैव सर्व्ड हिम राइट। बोला है कि वो तो उसकी खुद की जो है ना गलतियों ने, उसके खुद के जो क्या थे, जो पाप थे, पाप बोलते हैं ना गिल्टी को, गिल्टी कॉन्शियंस मतलब कि उसका जो मन था, कॉन्शियंस बोलते हैं आत्मा, अंतरात्मा को, कि उसने उसे दोषी, ठीक है, गिल्टी का सही मतलब होता है दोषी, तो उसके खुद की दोषी अंतरात्मा ने ही जो है ना उसे मार डाला। और मेरी बात का ध्यान रखना, बट माइंड यू का मतलब था मेरी बात का ध्यान रखना, पर कि अगर मैं खुद भी उसे जान से मार देता ना, तो उसके लिए कुछ मैं गलत नहीं करता, ये बात सही होती है उसके लिए। अभी ऐसा क्यों कह रहा है, ये सारी बातें हम जो है ना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी जितना मैंने पढ़ा है उतना आप जो है रिवाइज करिए, कोई इसमें डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जाना था कि शर्लक होम्स जो है उसने काफी कुछ पता लगा लिया था इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में, उसने जाना था कि एक जो हेनरी नाम का इंसान है जो कि उस दिन उस घर में आया था, और उस दिन उसने अपने घर में आके जो है उसके पास एक जानवर भी था, कोई सा कोई कार्निवोरस एनिमल, जो कार्निवोरस एनिमल मतलब कि मांस मच्छी खाने वाला एक जो जानवर भी था उसके पास, और उसे शक है कि इसी ने मारा है उसको, क्या कहते हैं कर्नल को, तो ये पूछा भी इसने लास्ट टाइम कि हु किल्ड दी कर्नल देन, कि अगर आपने नहीं मारा कर्नल को तो किसने मारा, तो इसका जवाब दे रहा है हेनरी, इट वॉज हिज ओन गिल्ट कॉन्शियंस दैट स्ट्रक हिम डाउन, कि उसके खुद की अंतरात्मा की जो भूल थी उसने उसे मार दिया, ठीक है। गिल्टी कॉन्शियंस मतलब कि गिल्टी का मैंने कल आपको मतलब बताया था दोषी, दोषी अंतरात्मा, ठीक है। कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतरात्मा, मतलब मन, मन का मन है ना मन, बट माइंड यू इफ आई हैड नॉक्ड हिज ब्रेन्स आउट विद माई ओन हैंड्स इट वुड हैव सर्व्ड हिम राइट, पर अगर मैं उसे खुद भी जान से मार देता तो वो भी गलत नहीं होता, उसके लिए इंसाफ ही होता ये भी, तो सोचते जरा ये मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों इतना बुरा समझता था कर्नल को। शुड आई टेल यू द होल स्टोरी, क्या मैं आपको पूरी कहानी बताऊं? आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ एनीथिंग, मुझे शर्म नहीं है किसी बात की, मैनी ईयर्स एगो बार्कले एंड आई वर टुगेदर इन द आर्मी इन इंडिया, कि बाकले और मैं दोनों साथ में थे बहुत साल पहले इंडियन आर्मी के अंदर। आई वॉज अ हैंडसम मैन एंड नैन्सी लव्ड मी, कि नैन्सी मुझसे प्यार करती थी और मैं खूबसूरत इंसान था। अब देखिए नैन्सी कौन है, नैन्सी जो कर्नल की वाइफ है ना, जिनके कोई बच्चे नहीं है, और नैन्सी जो है प्यार करती थी किससे, हेनरी से, जिसपे अभी इल्जाम लग रहा है कि उसने मारा है कर्नल को। तो ये बोल रहा है कि नैन्सी लव्ड मी बट हर फादर वॉन्टेड हर टू मैरी बाकले, के पर उसके पिता चाहते थे कि वो बाकले से शादी कर ले, एंड यू नो वॉट बाकले डिड, और तुम्हें पता है कि बाकले ने क्या करा, क्या करा देखते हैं। ही बिट्रेड मी टू द एनिमी एंड आई वॉज कॉट बाय देम, कि उसने मुझे जो है धोखा देकर पकड़वा दिया दुश्मनों के साथ, मतलब कि इंडिया की जरूर किसी दूसरी कंट्री से लड़ाई हो रही होगी उस वक्त में, जिस जहाँ पे फंसा दिया उसने दुश्मनों के पास जो है इसे,
हेनरी को, दे टॉर्चर्ड मी एंड आई बिकेम अ क्रिपल, उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा, टॉर्चर किया और मुझे जो है अपाहिज बना दिया। व्हेन आई मैनेज टू एस्केप आई लर्न टू डू ट्रिक्स, जब मैं वहां से भागने में कामयाब रहा तब मैंने जो है ट्रिक्स मतलब जादुई तरीकों से मतलब जादू का खेल सिखाना शुरू खेल खेलना शुरू कर दिया और ये सीखा मैंने ये सब कुछ ट्रिक्स। आई डिड नॉट रिटर्न टू इंग्लैंड बिकॉज आई कुड नॉट बियर टू बी सीन लाइक दिस, कि मैं इंग्लैंड वापस नहीं लौटा क्योंकि इंग्लैंड उसका घर था तो वापस नहीं लौटा वहां पे वो, क्यों? क्योंकि वो इस हालत में लोगों को नहीं दिखना चाहता था। एवरीवन थॉट आई वाज डेड, सबको लगा कि मैं मर चुका हूँ। अब सोचिए सभी नैन्सी को भी लगा 30 साल पहले कि मर चुका है हेनरी और उसने बाकली से शादी कर ली, जबकि वो मरा नहीं था, वो बस अपाहिज हो गया था। आई डिड नॉट कॉन्टेक्ट एनी वन नॉट इवन नैन्सी, आई डिड नॉट वॉन्ट हर टू सी मी एज अ क्रिपल, कि मैंने किसी को फोन नहीं करा, नैन्सी को भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझे अपाहिज हालत में देखे। आई केम टू नो दैट नैन्सी हैड मैरिड बाकले, फिर मुझे पता लगा कि मैरी ने नैन्सी ने शादी कर ली है बाकले से, उसी से जो कि उसका दुश्मन बन चुका था, क्यों? क्योंकि उसने उसे फंसा दिया था। वुड कंटिन्यूड, मतलब हेनरी वुड जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अब आगे और बताता रहेगा क्या बताया उसने। बट व्हेन वन गेट्स ओल्ड वन लॉन्ग्स फॉर होम, के पर जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो चाहता है कि अपने घर चले जाए। एंड सो इट वॉज विद मी, ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। आई सेव्ड इनफ टू केम बैक टू कम बैक एंड केम टू एल्डरशॉट, एल्डरशॉट मतलब वही शहर का नाम है जहाँ पे वो रहता था पहले से, बाकले भी वहीं पे रहता था और नैन्सी भी वहीं पे रहती थी, और बाकले और नैन्सी तो वहीं पे रह रहे थे, शादी हुई थी वहां पे उनकी, तो कि अब थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया जब उसके पास, तो वापस आ गया अपने शहर में एल्डरशॉट में। वेयर दी सोल्जर्स आर फॉर आई नो हाउ टू अम्यूज देम एंड अर्न इनफ टू कीप मी अलाइव, कि मुझे पता है कि वहां पर सोल्जर्स रहते थे और मैं वहां पर जाकर उनका जो है थोड़ा कर्तव्य वगैरह दिखाया करता था अपने, और जो है उनको उससे थोड़े से पैसे कमा लेता था मैं, जिससे मैं रह सह पाऊँ ठीक से। सो दैट इज हाउ इट वॉज, कि इसी तरह से मेरी जिंदगी चल रही थी। अच्छा नहीं, सो दैट इज हाउ इट वॉज, कि अच्छा ये बात है, ये बोला शर्लक होम्स ने, सेट शर्लक होम्स, आई ऑलरेडी न्यू ऑफ योर चांस मीटिंग विद मिसेस बार्कले, कि अब जो शर्लक होम्स बोल रहा है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम जो है मिले हो मिसेस बाकले से। आई सपोज यू फॉलोड हर होम एंड सॉ द क्वारल बिटवीन हर एंड द कर्नल थ्रू द ओपन विंडो, कि मुझे लग रहा है कि तुम फिर उसका पीछा करते हुए उसके घर तक चले गए नैन्सी का, और फिर जो है तुमने देखा उन दोनों के बीच में लड़ाई, और लड़ाई सुनने के बाद जो है ना तुमने बाहर से घर के अंदर एंट्री ले ली विंडो के जरिए, खुली हुई विंडो के जरिए। She must have accused her of misconduct towards you and you rushed into the room. वो कह रहा है शर्लक होम्स के जरूर उसे पछतावा हुआ होगा कि वो जो है तुमसे शादी नहीं कर पाई, और फिर उसके बाद जो है तुम रूम में चले गए। I did, sir, and the sight of me gave him such a fright. कि हाँ मैं गया था, उसने कबूल कर लिया अब हेनरी ने कि हाँ मैं गया था घर के अंदर, और मुझे देखकर जो है वो घबरा गया बिल्कुल। कौन घबरा गया? जाहिर सी बात है वही घबराया कर्नल, क्योंकि उसने उसे फंसा दिया था बहुत टाइम पहले, मतलब कम से कम ये तो यही बोल रहा है। ही फेल डाउन, कि वो गिर गया नीचे। हिज हेड हिट द फ्लोर, उसका सिर लगा नीचे जमीन से। बट ही वॉज डेड बिफोर ही फेल, पर वो गिरने से पहले ही मर चुका था। द गिल्ट ही फेल्ट, जो उसे पछतावा हो रहा था मन में, जो डर आ गया था उसके वो देखकर कि मतलब मैंने इसे फंसा दिया था इतने साल पहले, अब ये बच गया, तो ये देखकर जो है ना उसे पछतावा फील हुआ और वो मर गया गिरने से पहले। When he saw me, killed him, not the fall, कि उसने मुझे देखा और देखकर वो मर गया, गिरने से वो नहीं मरा। Nancy fainted, ये Nancy जो है बेहोश हो गई ये देख के। I took the key from her hand, my secret would have been out if I were caught. I thrust the key into my pocket and dropped my stick while I was chasing. While I was chasing Teddy, who had run up the curtain, के मेरे हाथ से ना डंडा गिर गया और मैंने जो है वो की ले ली थी नैन्सी के पास से, नैन्सी के हाथ से, और अपने पॉकेट में रख ली थी, और फिर उसके बाद जो है ना मेरा जो है मेरी छड़ी इसलिए गिर गई थी क्योंकि मैं भाग के पीछा कर रहा था किसका, टैडी का। टैडी उसका जानवर है छोटा सा जो कि चढ़ गया था किस पे, उस कर्टन पे, उस पर्दे पे।
When I managed to get him back into the box, I was off as fast as I could run. कि जैसे ही मैंने उसे पकड़ के अपने डब्बे में डाल लिया तो मैं भागा जितनी जल्दी मैं भाग सकता था. Who is Teddy? Asked Sherlock Holmes. कि टेडी कौन है? पूछा शर्लक होम्स ने. जाहिर सी बात है उसके जानवर है. The man opened the box in the corner and out slipped a beautiful reddish brown creature. एक जो है बहुत अच्छा beautiful brown color का creature निकाला उसने. It is a mongoose. Mongoose था वो एक और रोने लगा वो क्या करिए. I cried. Yes, and I should see how he catches snakes. I have a cobra here without fangs and Teddy catches it every night, much to the delight of the folks here. बोले कि मैं जो है करतब कैसे दिखाता हूँ वो बता रहा है हेनरी कि जो है ये मेरा मोंगूज है. मोंगूज जो है ना पकड़ने में माहिर होता है सांपों को. तो मेरे पास एक सांप भी है, कोबरा स्नेक है, पर उसके पास फैंग्स नहीं. फैंग्स मतलब वो नोकीले दांत नहीं है उसके जिससे कि वो जहर छोड़ता है. तो उससे खेल सकता है ये मोंगूज. तो ये खेलते हैं दोनों आपस में और इसी को देखकर लोग जो है खुश हो जाते हैं और यही करतब है मेरा. दैट मेक्स एवरीथिंग क्लियर मिस्टर वुड. ये बात पूरी तरह से कंप्लीट कर देती है मिस्टर वुड. ये कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? शर्लक होम्स. That does not seem any object in blaming a dead man. You have the satisfaction of knowing that for 30 years he carried the burden of his guilt. बोला कि अब शर्लक होम्स ने बोला कि अब जो है उस बेचारे मरे हुए इंसान को दोष देने से कोई फायदा नहीं. अब आपको भी सेटिस्फेक्शन हो गई होगी इस बात की. सेटिस्फेक्शन मतलब तसल्ली कि उसे भी 30 साल तक परेशान करा उसकी गिल्ट ने. गिल्ट मतलब पछतावे ने या फिर कहें तो उसके दोष ने. ठीक है. आई विल टेक योर लीव नाउ. अब मैं यहां से जाता हूं. एंड आई हैव अ वर्ड विद मिस्टर मर्फी whom I can see in the street outside. Goodbye, sir, and thank you for clearing up the matter. उसने उसे जो है थैंक यू बोला कि अच्छा है आपने जो है सारी बातें कंप्लीट कर ली और बात हमारी कंप्लीट हो गई, सही क्लियर हो गई. ये बोल रहा है वो हेनरी को शर्लक होम्स. मर्फी टोल्ड अस दैट द इंक्वेस्ट वाज ओवर. कि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है. मर्फी ने मुझे ऐसा बताया. मेडिकल एविडेंस शोड दैट डेथ वाज ड्यू टू अपोप्लेक्सी. देखिए अपोप्लेक्सी क्या होती है? एक स्ट्रोक को बोलते हैं, एक दौरा पड़ता है ना बहुत ज्यादा गुस्से में या फिर बहुत ज्यादा घबराहट में दौरा पड़ता है उसको बोलते हैं अपोप्लेक्सी, जिससे इंसान जो है बेहोश भी हो सकता है. तो ये बात बताई किसने? मर्फी ने बताया. मर्फी कौन था? दोस्त था उसका. दोस्त नहीं, जान पहचान वाला था कर्नल का. मर्फी जो एक वो भी था मेजर उसके आर्मी में. क्वाइट अ सिंपल केस आफ्टर ऑल सेड द मेजर. मेजर ने बोला, मतलब मेजर मर्फी ने बोला कि काफी सिंपल केस था ये तो. ओ रिमार्केबली सिंपल अग्रीड होम्स विद अ स्माइल. मतलब मुस्कुराते हुए होम्स ने बोला हाँ हाँ कुछ ज्यादा ही सिंपल था. अब ये लिया गया है अडेप्टेड फ्रॉम द क्रूकेड मैन बाय आर्थर कॉनन डोयल. ठीक है, इसने लिखा था द क्रूकेड मैन. क्रूकेड मतलब दोषी इंसान. ठीक है, जिसने कोई जुर्म करा हो. तो जुर्म किसने करा था? कर्नल ने. आगे देखिए इवैल्यूएट योरसेल्फ में. पहला है आपका टिक द राइट आंसर पे. द स्ट्रेंज केस वॉज दैट ऑफ अ मोंगूज, दैट ऑफ अ क्रिपल्ड मैन, दैट ऑफ अ मर्डर, दैट ऑफ अ स्ट्रेंज लेडी. तो जवाब है मर्डर का. मर्डर का केस था ना वो स्ट्रेंज केस, तो इस पर टिक लगा लिया आप सी पे. सेकंड है आपका बिफोर हर हस्बैंड्स डेथ मिसेस बार्कले हैड गॉन फॉर अ मीटिंग गोन आउट विद मिसेस मॉरिसन. तो जवाब है गोन आउट विद मिसेस मॉरिसन. मिसेस मॉरिसन के साथ ही तो बाहर गई थी, तो इस पर टिक लगा लिया आप बी पे. और आगे थर्ड में द मेड विटनेस्ड. मेड ने क्या देखा? नौकरानी ने. अ लॉक्ड रूम मिस्टर एंड मिसेस बार्कले आर्ग्यूइंग लाउड वॉइसेस ऑल ऑफ द अबव. तो देखिए मेड ने जो है ना सारी चीजें देखी थी. बंद हुआ कमरा भी देखा था क्योंकि अंदर घुसने की कोशिश कर रहे तो खुल नहीं रहा था दरवाजा. और मिसन और अंदर से तेज चीखने की आवाजें भी आ रही थी और साथ ही साथ मिस्टर एंड मिसेस बार्कले की चिल्लम चिल्ली भी सुनाई दे रही थी उनको, झगड़े की आवाज. ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव पर टिक लगा दिए. आगे देखिए माय डिक्शनरी में क्या लिखा है. इनक्वेस्ट. इनक्वेस्ट का मतलब इंक्वायरी इनटू अनएक्सपेक्टेड डेथ. ठीक है, इनक्वेस्ट का मतलब होता है इंक्वायरी करना किस चीज की. ठीक है, इंक्वायरी का मतलब कि पूछताछ. यही बोला था मेजर मर्फी ने कि पूछताछ तो काफी सिंपल थी. अपोप्लेक्सी क्या होती है? स्ट्रोक. स्ट्रोक मतलब दौरा. फोर मैन नॉक्ड हिज ब्रेन आउट रिफर्स टू. नॉक्ड हिज ब्रेन आउट का मतलब
पुलिंग आउट द ब्रेन, मेकिंग अ मैन मैड, मेकिंग अ मैन मैड, हिटिंग ऑन द हेड एंड किलिंग, हैविंग ब्रेन फीवर। तो इसका जवाब होगा सी, सी में सी आंसर इसका, हिटिंग ऑन द हेड एंड किलिंग, के सिर पे मारकर जान से मार देना। देखिए नॉकड आपने सुना होगा, नॉक करना, दरवाजे पे नॉक करना, नॉक मतलब टकटकाना है ना, और ब्रेन पे मतलब के सिर के ऊपर टकटकाना, तो यही है इसका मतलब। फाइव, मैन टू कैरी द बर्डन ऑफ हिज गिल्ट रिफर्स टू, कि अपने दोष का बोझ झेलना या फिर अपनी जो है गलतियों का बोझ उठाना या फिर अपने पछतावे का बोझ उठाना, इसका क्या मतलब है। कैरी अ हैवी लोड, बीइंग सप्रेस्ड, टू लिव विद द रियलाइजेशन दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो इसी पे टिक लगा लिए, सी पे, कि आपको ये एहसास हो या ना कि आपने कुछ गलत करा है, उस एहसास के अंदर जिंदगी जीना, तो इस पे टिक लगा लिए सी पे। आगे देखिए बी में, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। फर्स्ट आपका द होम्स इनवाइटेड वॉटसन टू एल्डरशॉट, ठीक है, एल्डरशॉट इनवाइट करा होम्स ने वॉटसन को। अब एल्डरशॉट वॉज द प्लेस वेयर मर्डर हैपेंड, ठीक है, जहां पे खून हुआ, ठीक है, मर्डर मिस्ट्री हैपेंड, ठीक है, मर्डर मिस्ट्री हैपेंड लिख दिएगा। आगे देखिए थर्ड में, मिसेस बार्कले वेंट फॉर अ मीटिंग विद मिसेस मॉरिसन। आगे देख लिए, द सर्वेंट्स ट्राइड टू ओपन द डोर बट इट डिड नॉट ओपन। फिफ्थ में, द कोचमैन कॉल्ड पुलिसमैन एंड डॉक्टर, कोचमैन ने तो बुलाया था पुलिसमैन को और डॉक्टर को। सी में देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला है आपका, होम्स डिडक्टेड दैट अ थर्ड पर्सन हैड कम इनटू द बार्कलेज रूम, तो ट्रू, होम्स ने ये बात लास्ट में कंक्लूड करी कि एक तीसरा इंसान था उस रूम के अंदर। मिसेस नैन्सी बार्कले वॉज ऑल अलोन व्हेन शी मेट हेनरी वुड, के बिल्कुल अकेले थी नैन्सी बार्कले जब मिली थी वो हेनरी वुड से, तो फॉल्स, नहीं, उसके साथ मिसेस मॉरिसन भी थी। मिस्टर बार्कले वॉज गिल्टी ऑफ बिटरिंग वुड सो दैट ही कुड मैरी नैन्सी, तो ये ट्रू, ये बात सही है कि उसने धोखा दिया था वुड को ताकि वो शादी कर सके नैन्सी से। मिस्टर बार्कले हैड अ मॉन्गूस, मिस्टर बार्कले के पास मॉन्गूस था, तो फॉल्स, नहीं, वो तो मिसेस मिस्टर हेनरी के पास था, हेनरी वुड के पास, तो ये फॉल्स होगा। मिस्टर बार्कले वॉज नॉट मर्डरर, तो ये बात तो ट्रू है कि मिस्टर बार्कले वॉज नॉट मर्डर्ड, तो ये बात ट्रू है कि खून नहीं हुआ था मिस्टर बार्कले का। आगे देखिए डी में, गिव शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये आप खुद से करने की कोशिश करिए और लॉन्ग आंसर भी खुद से करने की कोशिश करिए, और नहीं होता तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। देखिए हमारा चैप्टर सिक्स के जो है क्वेश्चन आंसर रह गए थे द मिस्ट्री ऑफ द क्रोकेड मैन का, तो देखते हैं जरा, हमने कर लिया था एमसीक्यू यहाँ पे और फिलअप्स भी कर लिए थे, ट्रू फॉल्स भी कर लिए थे। बच्चे शॉर्ट आंसर देखिए, फर्स्ट में बोल रहे हैं डिस्क्राइब कर्नल बार्कले, कर्नल बार्कले को डिस्क्राइब करने को बोल रहे हैं, तो लिख दिया क्या करना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक लिख दिया आप, है ना। कर्नल बार्कले वॉज अ फाइन सोल्जर एंड कमांडेड अ रेजिमेंट, ही एंड हिज वाइफ नैन्सी हैड नो चिल्ड्रन बट वर अ हैप्पीली मैरिड कपल इवन दो कर्नल बार्कले हैड अ वायलेंट टेंपर, बस इतना लिख दिया, बहुत है। अब बोले सेकंड में, व्हाट हैपेंड टू हेनरी वुड इन इंडिया, इंडिया में हेनरी वुड के साथ क्या हुआ था, तो इसका आंसर आप जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप लिख दिए, ये पूरी डिक्टेशन बोल देता हूं इसकी। कर्नल बार्कले एंड हेनरी वाज वर टुगेदर इन द आर्मी इन इंडिया, कि कर्नल बार्कले और हेनरी दोनों साथ में थे आर्मी में इंडिया की। कर्नल बार्कले बिट्रेड हेनरी टू द एनिमी एंड ही वॉज कॉट बाय देम, दे टॉर्चर्ड हिम एंड ही बिकेम अ क्रिपल, व्हेन ही मैनेज्ड टू एस्केप ही लर्न टू डू ट्रिक्स। अच्छा, ही लर्न टू डू ट्रिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, अच्छा नहीं लिख दिए, चलिए ही मैनेज्ड टू डू ट्रिक्स भी कर दिए, बस इतना तक लिख दिया होगी आपका आंसर, कि वहां पर जो है ना ये दुश्मनों ने पकड़ लिया था इसे और फिर इसे जो है मार मार के उन्होंने अपाहिज बना दिया, फिर उसके बाद इसने सीख लिया कुछ ट्रिक्स करना, इतना हो गया आपका आंसर। थर्ड में, हाउ डिड होम्स डिस्कवर दैट अ थर्ड पर्सन हैड कम टू द बार्कलेज रूम। शर्लोक होम्स को कैसे पता चला कि बार्कले के रूम में जो है, बार्कलेज वाले रूम में कोई एक तीसरा इंसान भी आया था,
तो इसका आंसर आप लिखिए, इफ नाइदर द कॉलनर नॉर हिज वाइफ हैड टेकन इट, नहीं यहां से मत लिखिए, आप दोबारा से लिखिए, आप लिखिए बिकॉज ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ द डोर की, इफ नाइदर द कर्नल नॉर हिज वाइफ हैड टेकन इट, अ थर्ड पर्सन मस्ट हैव एंटर्ड द रूम एंड दैट टू थ्रू अ विंडो. बस इतना कर दिया हो गया आपका कि अगर वो की जो है अगर ना कर्नल के पास है ना उसकी वाइफ के पास है तो जरूर एक तीसरा इंसान आया होगा विंडो के रास्ते. फिफ्थ है आपका, विद होम डिड मिसेस बार्कले गो आउट, होम डिड दे मेट, कि किसके साथ मिसेस बार्कले गई थी और किससे मिली थी. तो इसका आंसर आप लिख दिए, मिसेस बार्कले गो आउट विद मिसेस मॉरिसन. और उसके बाद नेक्स्ट वाले का आंसर लिख दिए, होम डिड दे मेट, तो लिख दिया दे मीट विद, मीट विद नहीं आप लिख दिएगा दे मेट हेनरी वुड. बस इतना हो गया आंसर फिफ्थ का लिख लिया आप. फिफ्थ में कह रहे हैं, हु वाज टेडी, हाउ डिड ही हेल्प वुड टू अर्न अ लिविंग, कि टेडी कौन था और टेडी ने वुड को कैसे हेल्प करी पैसा कमाने में. तो इसका आंसर आप लिख दिए, इट इज अ मोंगूज, इस मत लिखिएगा इट वाज अ मोंगूज, ठीक है. इट कैचेस स्नेक्स, ठीक है, इट लगाइएगा यहां पे, इट कैचेस स्नेक्स हेनरी Also had a cobra without fangs and Teddy used to catch it every night, much to the delight of the folks there. This is how Teddy helps Henry to make a living. मतलब इस तरीके से पैसा कमाने में मदद करता था वो मोंगूस टेडी नाम का. अब देख लिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपका है, फर्स्ट है व्हाट डिड मिसेस मॉरिसन टेल होम्स, मिसेस मॉरिसन ने क्या बताया होम्स को. तो इसका आंसर है बहुत ही आसान सा, यहाँ पे देखिए मिस मॉरिसन सेड के बाद से, मतलब यहाँ से मिस मॉरिसन सेड से लेके अपना लास्ट तक का पूरा व्हाट हैड हैपेंड तक पूरा लिख लिए हो गया आपका आंसर, ठीक है. अब सेकंड में व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड होम्स गैदर फ्रॉम हेनरी, किस तरह की इन्फॉर्मेशन ली हेनरी से होम्स ने. तो इसका आंसर मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप लिख लीजिए, डिक्टेशन में बोल रहा हूँ वो पूरे उतार लिएगा. हेनरी वुड टोल्ड होम्स दैट ही एंड मिस्टर बार्कले वर टुगेदर इन द आर्मी इन इंडिया एंड हेनरी लव्ड नैन्सी बट हर फादर वॉन्टेड हर टू मैरी बार्कले. Later, Barclay betrayed Henry to the enemy and he was caught by them. They tortured Henry and he became cripple. बस इतना जो है लिख लिया इतना काफी है, नहीं इतना मत लिखिए और आगे का लिख लीजिए, यहाँ पे की एलिमेंट्स कुछ मिसिंग है और भी लिख लिया इसमें, इसमें लिख लिया After 30 years, Henry met Nancy with Mrs. Morrison. At that night, Henry Wood also came near the house of Mr. Barclay and heard some shouting. Then he goes into the house from the window and see Colonel Barclay. See मत करिएगा, saw करिएगा, saw Colonel Barclay and Barclay saw him. As a result, Barclay had a stroke which resulted in his death. After that, Henry told Holmes that it was because of his own guilt. बस इतना बोल दिएगा, मतलब इतना लिख दिए, हो गया आंसर आपका कंप्लीट, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और सारा जो है
एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, ये सब करने के बाद आप मुझे सेंड कर दिए इसकी फोटो करके क्लिक करके।